जिस घर में मर्डर हुआ है ना वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक ये ही नहीं पता चला। मैं खुद ये सोच रहा हूँ क्या हुआ, वो मेरा बड़ा भाई था लेकिन उसने किया था, मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। यार ऐसा इंतजाम कर दिया जाएगा तो फिर पता ही राय नहीं खुलेगा हमारा, और राय खुलना जरूरी है। अभी पता हो सकता है कि इसके पीछे और कोई भी हो। दूसरा आरोपी था जावेद, हमारी टीम उसको लेकर के वापस आ रही है, जहां उसे पूछताछ करके अग्रिम तथ्यों का पता लगाया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव रस्तोगी और आप देख रहे हैं द लीटर हिंदी। यूपी के जिला बदायूं में दो मासूमों की गला रेत कर हत्या करने वाले साजिद का भाई जावेद पुलिस की हत्या चढ़ चुका है। बदायूं पुलिस उसे बरेली से लेकर निकल चुकी है। अब जावेद से पूछताछ के बाद ही इस दिल दहला देने वाली वारदात के राज खुल सकेंगे, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार साजिद ने क्यों दो मासूमों को इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया। पहले आप सुनिए कि बदायूं के SSP आलोक प्रियदर्शी ने दूसरे आरोपी जावेद के पकड़े जाने को लेकर क्या कहा, फिर आपको दिखाएंगे कि आरोपी जावेद का हत्याकांड को लेकर क्या बयान सामने आया है। देखिए, इस दोहरे हत्याकांड का जो दूसरा आरोपी था जावेद, आरोपी साजिद का भाई, उसकी गिरफ्तारी आज जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। उसके द्वारा पुलिस के दबाव और जो उस पर इनाम कराया गया था उसके दबाव में उसने आज बरेली में बारादरी थाने की जो सेटेलाइट चौकी है वहाँ उसने आत्मसमर्पण किया था और अपना एक वीडियो भी उसने वायरल कर दिया गया था। जब उस वीडियो की सूचना मिली, हमने सूचना को पुष्ट किया और अधिकारियों से वार्ता करने के बाद अब हमारी टीम उसको लेकर के वापस आ रही है, जहां उसे पूछताछ करके अग्रिम तथ्यों का पता लगाया जाएगा। बदायूं में सिविल लाइन्स इलाके की बाबा कॉलोनी निवासी ठेकेदार विनोद कुमार के दो बेटे आयुष और आहान की साजिद ने घर में गला रेत कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया था, गुस्साई भीड़ ने आरोपी की दुकान आग के हवाले कर दी थी और पुलिस चौकी घेर ली थी। घटना के 2 घंटे बाद पुलिस ने मुठभेड़ में साजिद को मार गिराया था, जबकि उसका भाई जावेद फरार हो गया था। पुलिस उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित करके उसकी तलाश में जुटी थी। बुधवार देर रात जावेद सरेंडर करने के लिए बरेली के सेटेलाइट बस अड्डे पहुंचा। इस दौरान उसका ऑटो में बैठे हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह स्थानीय लोगों के पूछने पर कह रहा है कि वह बेकसूर है, उसके भाई साजिद ने बच्चों को मारा, उसका इसमें कोई भी हाथ नहीं है। आइए आपको भी दिखाते हैं कि सरेंडर करने बरेली पहुंचे जावेद ने पूछताछ में क्या कहा। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है, मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैन कर रखा है। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने मतलब भाई पुलिस की, भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूं, देखो मैं देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हां भाई, मैं वो कौन था जिसका एनकाउंटर, मेरा बड़ा भाई था लेकिन उसने किया था, मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। मेरा नाम जावेद है ना, मेरा नाम भाई नहीं, मेरे याद आ रहा। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बदायूं जिला। ठीक है, इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा, फोटो स्टेट गंदी आई, दूसरा वाला। ऐसा क्यों किया यार, ये तो नहीं था मेरे करा, मतलब कोई तो वजह हुई। जिस घर में मर्डर हुआ है ना वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक ये ही नहीं पता चला। मैं खुद ये बच्चे मारे, भाई अब वो आपके हाथ में, इसका फोटो है, इसका फोटो आपके हाथ में, अब चाहे तो आप मुझे मारो या नहीं। नहीं नहीं मारेंगे ना, तुम फालतू नहीं हम तुझे, लेकिन एक बात बताओ, माँ की कसम इस पूरी वारदात में साजिद के एनकाउंटर के बाद अब जावेद ही वो शख्स है जिससे हत्याकांड के पीछे की वजह सामने आ सकती है, क्योंकि पीड़ित परिवार पहले ही साफ कर चुका है कि उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं है। साजिद से भी अच्छे ताल्लुकात थे, उसने बच्चों को इतनी बेरहमी से क्यों मारा वो भी ये जानना चाहते हैं। बच्चों के पिता विनोद भी पुलिस से जावेद के सरेंडर करने से पहले यही मांग कर रहे थे कि उसका एनकाउंटर ना किया जाए, पकड़कर पूछताछ की जाए, ताकि घटना का सच सामने आ सके कि हत्याकांड को किसी बड़ी साजिश के तहत साजिद को मोहरा बनाकर अंजाम दिया गया है या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और थी, जो वो भी जानना चाहते हैं। जावेद फरार है, इसको गिरफ्तार की जाए और उससे पूरी पूछताछ की जाए, और पूछताछ करने में ही उसको पता चलेगा कि हम इसने ऐसा घिनौना काम क्यों किया। अब जो मान लो पकड़ गया, मान लो और ऐसा इंकाउंटर कर दिया जाएगा तो फिर पता ही राय नहीं खुलेगा हमारा, और राय खुलना जरूरी है।
अभी पता हो सकता है कि इसके पीछे और कोई भी हो लो, तब पता चले कि हाँ कि कितने लोग इसमें साजिश में हैं या किसी ने साजिश करके हमको बच्चों को मरवाया है, हमारे सब घर को मरवाना चाहता था, वो तो मम्मी को भी मार देता, हमारी मैडम को भी मार देता। तो इस चीज़ को जो है कि जरा पुलिस प्रशासन जो है इस पर ज़्यादा गौर दे, ध्यान दें कि इसको ऐसे गिरफ्तार किया जाए, इनकाउंटर बना दिया जाए इसका।